गंगा। देखिए हम लोग जा रहे हैं गौरी शंकर, पता लगाने के लिए जल कितने तारीख को छूटेगा। ठंडे उठे इस बार दो महीने का सामान लगा हुआ है। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, ये गेट है। हाँ मैं खड़ी करूँ, ये देखिए गौरी शंकर गेट है। आओ वही तरफ चले, वही तरफ चले, हल्की चले। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर में, मंदिर चल रहे हैं, मंदिर में जाके खड़ा कर दो ना तक बोले आगे में खड़े कर जा रहे हैं। देखिए हम लोग धन्नो गाड़ी आ रही है पीछे पीछे से, देखिए मेला लगा हुआ है। ये देखिए लगाए थे या लगाए थे इन्हें अंदर चल रहा है पानी तो अंदर मिल रहा है। अरे मतलब वहाँ अंदर ना बहरा मिलेगी। ये देखिए हवा हाई खड़ी गई थी, लाख के दिए ठीक है। चलिए बंद कर देता है। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं, ये देखिए ये गेट पे आ गए हम लोग, मेन गेट पे। अब हम लोग चलते हैं। हाँ देखो जूते चले गए हम लोग मंदिर पे आ गए हैं गौरी शंकर।
ये देखिए ये गौरी शंकर मंदिर है, सुजानगंज पड़ता है। और इधर गेट है, ये देखिए वो गेट है। और इधर सब खाली पड़ा है, आज भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन सुबह हम लोग ज़्यादा बहुत जल्दी आ गए हैं। देखिए आ जाइए, ये देखिए इधर इधर आ जाए, ये देखिए पंडित जी हैं। तो हम लोग इन्हीं से पूछेंगे जल कितने तारीख छूटेगा, और 31 का छूटेगा 16 का छूटेगा, हम लोग कंफ्यूज हैं इसलिए पूछने आए हैं। देखिए हम पूछते हैं, हम लोग अब मंदिर से देखते हैं, घुमा के आपको इधर किधर। ये देखिए इधर सब पीछे का नज़ारा, पीछे ऐसे है, ये देखिए दिखाते हैं। ये देखिए कपड़ों पर धोए देने यार, तो धोए, ये देखिए इधर मेला लगा हुआ है, ते अपन धोए, ते अपन, ये देखिए पूरा मेला लगा हुआ है, यहाँ मेला यहाँ लगा हुआ है। देखिए ये सब पूरा मेला लगा हुआ है, इधर देखिए पूरा मेला लगा हुआ, पूरा आप लोग आइए इधर भी घूम के जाइए। और बहुत अच्छा लोकेशन है, जगह का नाम है सुजानगंज, बोल दीजिए गौरी शंकर जाना है, जौनपुर जिला में पड़ता है। ये देखिए गौरी सचना धाम, यहीं पे जल छुटता है हमारा। ये देखिए हनुमान जी घा रहे हैं, आप लोग देखिए और पीछे का पूरा ग्राउंड। और ये देखिए, ये देखिए मंदिर है, और इधर पूरा ये देखिए लोकेशन, ये देखिए मंदिर ये है गर्भगृह, यहाँ शंकर जी स्थापित हैं, यहीं पे जल छुटता है। और इधर देखिए हम लोग अब चलेंगे, देख लीजिए बहुत अच्छा जगह है। चलिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, धन्यवाद। हर हर महादेव।